मामला मथुरा गेट थाना इलाके के सारस चौराहे के पास नशे में एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। नशे में धुत एक युवती की दो युवकों ने पुलिस के सामने पिटाई कर दी। कांस्टेबल पास खड़ा तमाशा देखता रहा जबकि युवक उसे लात घूंसों से पीटते रहे। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर थाना अधिकारी बोले कांस्टेबल बचाव कर रहे थे, वहीं पुलिस ने युवती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। मुंबई में ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे एक मामला मुंबई से सटे ठाणे से सामने आया है। यहाँ एक युवक ने जान देने के लिए ट्रेन के आगे छलांग लगाई। हालांकि एक अलर्ट पुलिसकर्मी ने सही समय पर उसे देख लिया और उसे सही समय पर पटरियों से खींच उसकी जान बचा ली। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में पंचायत का डरावना चेहरा सामने आया है। यहां एक महिला को बदचलन होने के आरोप में बुरी तरह तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। दरअसल पीड़ित महिला पर कुछ ग्रामीणों ने बदचलन होने का आरोप लगाया था। गांव में पंचायत बैठी और महिला की पिटाई का फरमान सुनाया। इसके बाद बांस की छड़ी को गर्म कर बेरहम तरीके से महिला की तब तक पिटाई की गई जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। पर महिला के साथ बुधवार की रात कुछ लोगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया तो वो जान बचाकर अस्पताल पहुंची। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं होंगे। CSK ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की घोषणा की है। उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ दी है, उनकी जगह जडेजा कमान संभालेंगे। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं। माही की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार IPL का खिताब जीता है। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। धोनी 14 साल से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। ये पहला मौका है जब CSK का कप्तान बदला गया है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भी बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 89 पॉइंट की गिरावट के साथ 57,595 पर बंद हुआ। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।